हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सर्व विद लव में। आज हम बहुत ही हेल्दी बहुत टेस्टी पाव भाजी बनाने वाले हैं। भाजी बनाने के लिए 4 टेबल स्पून हमने बटर ले लिया है और कुछ सब्जियां हमने चॉप कर ली है, जैसे 3-4 प्याज हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। इसी में हमने लहसुन मिर्ची और अदरक डाल के काट लिए हैं। थोड़ा सा हमने बीन्स चॉप कर लिया है, 2 हमने शिमला मिर्च को चॉप किया है और 2 ही गाजर है, गाजर को भी चॉप कर लिया है। 3 से 4 हमने टमाटर को एकदम छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। 3 उबले हुए आलू है और थोड़े से हमने कद्दू है, कद्दू को उबाल लिया है, आलू और कद्दू साथ में उबाल लिया है हमने, और हरी मटर को उबलने के लिए रख दिया है। और ये हमने धनिया पत्ती ले लिया है और थोड़ा सा कसूरी मेथी है, जो हम भाजी तैयार हो जाएगा तो उसमें डालेंगे। ये हम जो पाव भाजी बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी बनाने वाले हैं, क्योंकि इतनी ढेर सारी सब्जियां हम डालेंगे। अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जी डाला जा सकता है, गोभी हुआ, इसमें हम बीट रूट डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम कढ़ाई की तरफ, गैस की तरफ चलते हैं बनाने के लिए। सब हम ऑन कर लेते हैं। 4 टेबल स्पून के बराबर हमने बटर ले लिया है, हम डाल देते हैं, पिघल ले देते हैं। इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डाल देते हैं, 1 टीस्पून हम इसमें सरसों दाना भी डाल देते हैं, पकने देते हैं। अब इसी में हम जो चॉप किया हुआ प्याज मिर्ची अदरक लहसुन है हम उसको डाल देते हैं, तो थोड़ा हम भून लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी सब्जियाँ डाल देंगे। अब जैसे देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है, अब इसमें हम ये कैरेट डाल देते हैं, जो गाजर हमने चॉप करके रखा था, शिमला मिर्च, बीन्स, इन सब्जियों से ढेर सारी सब्जियां डालेंगी जिसमें खाने में बहुत टेस्टी बनेगा। अब सब्जियां पक रही हैं, इसमें हम अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे ताकि सब्जियाँ थोड़ा जल्दी पक जाएंगी, नमक डालने से जल्दी पक जाती हैं। और इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके फिर ढक के थोड़ी देर पकाएंगे, स्लो में हम पकाएंगे। अब इसको हम खोल के देखते हैं। अब इसमें हम बाकी की चीज डाल देते हैं, जैसे कि टमाटर हमने काट के जो रखा था वो टमाटर डाल दिए। अब ये मटर हाफ बॉइल फ्रोजन मटर है जो कि हमने उबाल के रखा है, इसको हमने डाल दिया, इसको भी मिला लेते हैं। इसी में हमने जो ये कद्दू उबाल के रखा है इसको भी डाल देते हैं, साथ में जो 3 आलू काट उबाल के काट के रखे हैं इसको भी। अब हमने सारी सब्जियां इसमें डाल दिए हैं, अभी ये सब जो है फिर से हमें पकाना है और इन सब सब्जियों को मैश कर देना है। अब हम 5 मिनट के लिए फिर इसको ऐसे ढक के पकाएंगे। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं कितना पका है, क्या हुआ। पक गया है। अब हम पाव भाजी मैशर से इसको मैश करेंगे, अच्छे तरीके से इसको हम मैश कर लेते हैं। अब इसमें हम पाव भाजी मसाला डालेंगे, 2.5 टेबल स्पून हम इसमें पाव भाजी मसाला डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें अभी जो हमने पाव भाजी मसाले और हल्दी ऐड किए हैं उसको पकाने के लिए हमें 1 कटोरी हम पानी डालेंगे, थोड़ा लिक्विड भी हमें चाहिए होता है भाजी। अब इसमें उबाल आने देते हैं, ये देखिए भाजी बन गई है, बन के तैयार है। इसी में हम जो है छोटे छोटे काट के पनीर ऐड कर देंगे, अपने चॉइस पे, अगर खाना है पनीर, कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं पसंद करते। इसी में हम कसूरी मेथी को हम दोनों हाथों पे से मसल के कसूरी मेथी डाल के चला देते हैं, और हमने हरी धनिया काट करके रखा हुआ है, हरी धनिया डाल के भाजी सर्व करने के लिए तैयार है।